हेलो व्यूवर्स, अस्सलाम वालेकुम। आज हम बनाएंगे तंदूरी चिकन। ज़रूरी नहीं कि तंदूरी चिकन बनाने के लिए आपके पास तंदूर हो, आप बगैर तंदूर के भी इसको घर पर बहुत ही आसानी से बना सकते हो। यकीन मानिए, ये मेरा बहुत ही बढ़िया चिकन बनकर के रेडी हुआ है, तो आप भी मेरी इस रेसिपी से एक बार चिकन ज़रूर बनाइए। मुझे उम्मीद है इंशाल्लाह आपको मेरी रेसिपी ज़रूर पसंद आएगी। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आए तो मेरी वीडियो को लाइक करें, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। वीडियो को फुल देखिएगा, इसके बिल्कुल ही मत करिएगा। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। तो इसके लिए देखिए, ये मैंने 1.25 किलो चिकन लिया है। इसको मैंने अच्छे से धोकर के साफ़ कर लिया है। अब ये लेग पीस की जो नस हैं इनको हम कट कर लेंगे। इन नसों को कट करने से क्या है, इसकी बोटी बिखरेगी नहीं। तो देखिए इस तरीके से इसकी जो नस होती है इसको अलग कर लें। अब इसको हम मेरीनेट करेंगे। तो मेरीनेशन के लिए हम इसमें कुछ मसाले ऐड करेंगे। तो देखिए, ये 2 चम्मच भर के मैंने लहसुन अदरक का पेस्ट लिया है, इसको इसमें ऐड कर देंगे। मैंने 4 नींबू का रस लिया है, नींबू के रस को भी इसमें ऐड कर देंगे। अब इसमें कुछ सूखे मसाले ऐड कर देंगे, जो कि इस तरीके से हैं। ये 1/2 चम्मच मैंने कुटी हुई लाल मिर्च ली है, 1/2 चम्मच ओरिगेनो लिया है, 1/2 चम्मच सौंफ का पाउडर लिया है, 1/2 चम्मच भुना हुआ कुटा जीरा का पाउडर लिया है, 1/2 चम्मच गरम मसाला लिया है, 1 चम्मच पिसी हुई लाल मिर्च ली है, 1 चम्मच मैंने पिसा हुआ धनिया लिया है, 1/2 चम्मच हल्दी ली है, और 1 चम्मच मैंने कुटा हुआ धनिया लिया है, और 1 चम्मच ही मैंने ये नमक लिया है। तो इसी मसालों को इसमें ऐड कर देंगे। अब ये गोश्त को मसालों को अच्छे से मिक्स कर देंगे। ये मसाला बोटियों में अच्छे से लग जाना चाहिए, इसको अच्छे से मिक्स कर लें। किचन का कुछ भी काम करने से पहले हाथों को अच्छे से धो लें। मैंने हाथों को अच्छे से धो लिया है। ये लेग पीसों में मैंने कट नहीं लगाए हैं, अभी लेग पीसों में कट लगा लेंगे। ये लेग पीसों में कट आप इसको धोने के बाद ही लगा लें। ये लेग पीसों में मैंने कट इसलिए लगाए हैं, जिससे क्या है मसाले इनमें अंदर तक अच्छे से पिस जाएगा। अब इनको देखिए, मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब देखिए इस तरीके से मसाला लगा करके आप इसको करीब 2 से 3 घंटे मेरीनेट होने के लिए ज़रूर रखें, जिससे क्या है मसाला बोटियों में अंदर तक अच्छे से पिस जाएगा। और अगर आपके पास टाइम है तो आप इसको ओवरनाइट भी रख सकते हो। अब इसको ढक करके मैं करीब 4 से 5 घंटे के लिए फ्रिज में रख दूँगी, जिससे क्या है बोटियाँ अच्छे से टेंडर भी हो जाएंगी और इनमें मसाला भी अंदर तक अच्छे से पिस जाएगा। तो मिलते हैं आपसे 4 से 5 घंटे के बाद। ये गोश्त को मेरीनेट किए हुए देखिए, मुझे 5 घंटे हो चुके हैं, और करीब 1 घंटे पहले मैंने इसको फ्रीज में से निकाल दिया है। अब देखिए इस तरह की कोई भी ओंडी सी ट्रे ले लेंगे। अगर आपके पास इस तरह की ट्रे नहीं हो तो आप कोई भी ओंडी सी प्लेट ले लें। अभी चिकन को इसमें ऐड कर देंगे। चिकन थोड़ा भी पानी रिलीज करेगा तो पानी इसमें से फैलेगा नहीं। इसको अच्छे से सेट कर देंगे। अभी जो थोड़ा सा मसाला बचा हुआ है इसको भी इस पर डाल देंगे। अब इसको हम चूल्हे पे पकाएंगे। अब देखिए इस तरीके से कोई भी इतना बड़ा बर्तन ले लेंगे जिसमें कि हमारा गोश्त का बर्तन आसानी से आ जाए। अब इसमें इस तरीके कोई भी स्टैंड रख देंगे। अगर आपके पास इस तरीके का स्टैंड नहीं हो तो आप कोई भी प्याली रख दें। अभी ट्रे को इसमें रख देंगे और इसको हम ढक देंगे और चूल्हे को ऑन कर देंगे, और इसमें हम कोई भी भारी सा बर्तन रख देंगे। तो देखिए मैं इस पर डब्बा रख देती हूँ। अभी फ्लेम को हाई रखेंगे और हाई फ्लेम पे इसको 10 मिनट पकाएंगे। उसके बाद फ्लेम को लो कर देंगे और लो फ्लेम पे हम इसको करीब 35 से 40 मिनट पकाएंगे। बीच में हम इसको खोल करके एक बार भी चेक नहीं करेंगे, वरना इसकी स्टीम निकल जाएगी। इसको लो फ्लेम पे देखिए करीब 20 मिनट हो चुके हैं। अब मैंने कुछ वेजिटेबल्स लिए हैं, उनको काट के रेडी कर लेते हैं। अभी देखिए 250 ग्राम मैंने पत्ती के प्याज लिए हैं, इनको मैंने अच्छे से धो लिया है। अब इनको हम देखिए थोड़े बड़े बड़े पीसेस में कट कर लेंगे। ये मैंने 1 शिमला मिर्च ली है और 2 ही व्हाइट प्याज लिए हैं, इनको भी धोकर के साफ़ कर लिया है। इनको भी हम थोड़े बड़े बड़े पीसेस में कट कर लेंगे।
ये वेजिटेबल्स के पीस आप आपके पसंद से कर लें, छोटे बड़े जिससे आपको पसंद हो। और अगर आप चाहो तो इसमें और भी वेजिटेबल्स ऐड कर सकते हो। मिर्च के बीज वाले पार्ट को हटा देंगे, मिर्च को भी बड़े बड़े पीसेस में कट कर लेंगे। इनको प्लेट पे निकाल लेंगे। ये प्याजों को देखिए मैंने अलग अलग कर लिया है। इसको पकते हुए देखिए करीब 45 मिनट हो चुके हैं। अब इसको खोल कर चेक कर लेंगे गोश्त गला है या नहीं। ये गोश्त एकदम बढ़िया से गल चुका है। फ्लेम को ऑफ कर देंगे और ट्रे को बाहर निकाल लेंगे। हमें गोश्त को इसमें सिर्फ गलाना है। अब देखिए इस तरीके से कोई भी जाली वाला स्टैंड ले लेंगे। अगर आपके पास इस तरीके का स्टैंड नहीं हो तो आप लोहे की चन्नी ले लें जिससे हम घर में नाच छानते हैं वो वाली। अब इस स्टैंड को चूल्हे पर रख देंगे और इसमें से बोटियों को उठा करके जाली पर रख देंगे। चूल्हे को ऑन कर देंगे और फ्लेम को मीडियम कर लेंगे। अगर आपको गर्म लगे तो आप इनको किसी भी चीज़ से उठा करके रख दें। अब फ्लेम को मीडियम रखेंगे और मीडियम फ्लेम पे हम बोटियों पे सब तरफ अच्छे से स्पॉट आने तक इनको सेक लेंगे। इनको बीच बीच में पलट करके चेक कर लेंगे। अब ये देखिए ये बोटी सब तरफ से अच्छे से सिक चुकी है। इसको हटा लेंगे और इसी तरीके से हम सारी बोटियों को सेक करके रेडी कर लेंगे। इस सभी बोटियों को देखिए मैंने बढ़िया स्पॉट आने तक इसको सेक लिया है। ये लग रहा है ना कि हमने इसको तंदूर पे सेका है। अब इसके लिए हम सॉस रेडी कर लेते हैं। एक कढ़ाई को मैंने चूल्हे पर रख दिया है। चूल्हे को ऑन कर देंगे। अब इसमें देखिए करीब 70 ग्राम जितना मक्खन ऐड करूँगी और करीब 50 ग्राम इसमें ऑयल ऐड करूँगी। अभी फ्लेम को हाई रखेंगे और ये मक्खन को मेल्ट कर लेंगे। मक्खन का फ्लेवर इसके अंदर अच्छा लगता है। आप चाहो तो खाली ऑयल भी ले सकते हो। और इसमें देखिए करीब 2 चम्मच जितना ये चॉप्ड लहसुन ऐड करेंगे। लहसुन को हल्का सा पकाएंगे, इसको ज़्यादा लाल नहीं करेंगे, बस हल्का सा ही पकाएंगे। इसकी खुशबू बराबर से रहनी चाहिए। अभी देखिए मैंने 3 टमाटर लिए हैं, इनको पीस करके प्यूरी बना ली है। प्यूरी को इसमें ऐड कर देंगे। ये प्यूरी को मिक्स करेंगे और फ्लेम को मीडियम कर लेंगे। अब इसमें हम कुछ मसाले ऐड करेंगे। ये 1/2 चम्मच पिसी हुई काली मिर्च ऐड करेंगे। ये 2 चम्मच ग्रीन चिली सॉस ऐड करेंगे और 2 चम्मच भर के पास्ता सॉस ऐड करेंगे। इसमें 1/2 चम्मच डार्क सोया सॉस ऐड करेंगे। इसमें 4 चम्मच भर के टमाटो केचप ऐड करेंगे। अभी मैंने 1/2 चम्मच ओरिगेनो और 1/2 चम्मच कुटी हुई लाल मिर्च लिए हैं, इनको भी इसमें ऐड कर देंगे। अब इन सभी को हम अच्छे से मिक्स कर देंगे। मीडियम फ्लेम पर हम करीब 1 से 2 मिनट पका लेंगे। इसमें देखिए उबालना स्टार्ट हो चुका है। अब मैंने शिमला मिर्च और प्याज काटी है, इनको इसमें ऐड कर देंगे। अभी देखिए मैंने थोड़ा सा पत्ता गोभी लिया है, इसको भी मैंने धोकर कट कर लिया है। पत्ता गोभी को भी इसमें ऐड कर देंगे। अभी जो चिकन का स्टॉक बचा है इसमें से थोड़ा सा स्टॉक ऐड करेंगे। अभी बचे हुए स्टॉक को हम नूडल्स या पास्ता कुछ भी बनाएंगे उसमें यूज़ कर लेंगे। अब इन सभी को अच्छे से मिक्स करेंगे। अब इसमें देखिए सब्जियों के हिसाब से थोड़ा सा नमक ऐड करेंगे। नमक उसे मिक्स कर लेंगे। फ्लेम को लो कर देंगे। इसको ढक देंगे और ढक करके इसको लो फ्लेम पर करीब 1 से 2 मिनट पकाएंगे। इस सब्जी को ज़्यादा नहीं पकाएंगे क्योंकि इसमें सब्जियां थोड़ी कच्ची कच्ची अच्छी लगती हैं। इस सब्जियों को लो फ्लेम पर पकते हुए देखिए करीब 2 मिनट हो चुके हैं। ये देखिए सब्जियां ज़्यादा गली नहीं हैं, थोड़ी कच्ची कच्ची हैं,
अब इसमें हम चिकन को ऐड कर देंगे। चिकन को इसमें अच्छे से मिक्स कर देंगे। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले सब्सक्राइब कर दें, और अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आए तो मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। इससे क्या है, मेरी सारी रेसिपीज आपको सबसे पहले देखने को मिलेंगी। अब फ्लेम को हाई कर लेंगे और हाई फ्लेम पे हम चिकन को मसालों के साथ थोड़ी देर भून लेंगे, जिससे क्या है मसालों का फ्लेवर चिकन में अच्छे से आ जाएगा। अब इसकी देखिए एकदम बढ़िया भुनाई हो चुकी है, फ्लेम को ऑफ़ कर देंगे। और मैंने थोड़ा सा हरा धनिया लिया है, उसको मैंने धोकर कट कर लिया है। धनिया को इस पर डाल देंगे, धनिया को इसे मिक्स कर देंगे। अब इसको डिश आउट कर लेंगे। मैं इसमें थोड़ा सा हरा धनिया और डालूंगी। तो देखा आपने कितना बढ़िया, कितना जूसी जूसी हमारे तंदूरी चिकन बनकर के रेडी हुआ है। तो आप भी मेरी इस रेसिपी से एक बार तंदूरी चिकन ज़रूर बनाइए। आई होप आपको मेरी रेसिपी ज़रूर पसंद आएगी। बाय अल्लाह हाफिज़। फिर मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी के साथ।